काम करेगा तो हाँ, पहले उसको रिमोट में डाल के और यहाँ भी रेडी टू स्टार्ट करके फिर इसको डालना होगा तब यहाँ से आप ऊपर में लोकल में डाल के रेडी टू स्टार्ट करके स्टार्ट करने से इंजन ब्रेक अगर लग गया तो इसको खींचने से रिलीज हो जाएगा तो इसको हम यूज कर सकते हैं। ये लुब्रिकेंट ऑयल गेज है, इसको ये काला जो इसमें है ये ऊपर होना चाहिए, नीचे आने से इसको सही नहीं है। ये रेड वैन जब ऊपर उठ जाएगा तो समझ में आएगा नीचे पानी जमा हुआ है, नीचे से पाइप खोल के पानी निकाल के फिर लॉक कर देना होगा। ये मंथली और दो महीने में एक बार तो करना ही है। ये इंजन ऑयल का ये है तो इसमें मोटा मोटी अगर 1400 लीटर कैपेसिटी है, 450 के नीचे आ जाएगा तो इसका मतलब ये फ्यूलिंग करना होगा। ये आर्थ है, पैकिंग आपको इंजीनियरिंग वाले सब लगाते हैं। हमारे वहाँ पर शायद नहीं है ना, अच्छा जो पानी छींकता है ना, छींकता है और उसका जो ऊपर में जो ये है नॉब है ऑटो ड्रेन कारण ऑटो ड्रेन ऊपर में जो नॉब है किस कारण से रखा है, उसको हमको लग रहा है कि ये लोग बंद करके रखा हुआ है, कुछ ना कुछ सिस्टम बाईपास है। अच्छा अच्छा, उधर जो ये जो है ना पानी भरने वाला पार्किंग पे रिलीज करता है मैनुअली, मतलब किस समय करेंगे इसको, जब पार्किंग करेंगे जब यहाँ से नहीं होगा। सॉकर है ना, क्या काम है इसका, सॉकर का काम क्या, अच्छा अच्छा जो काम इसका है सॉकर सॉकर वही काम इसका है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहीं से ये अप डाउन जब गाड़ी करती है तो इसमें वाला टैंक कौन सा, वो वाला नील वाला। हेलो, अभी हम लोग ये नहीं है लेकिन बीएमएल में हम चाहिए ठीक है, ये प्रेशर स्विच का ही काम होता है। सब इसमें कुछ करना पड़ता है, यहाँ से एडजस्ट होता है, ये एक है एक यहाँ है, इसी से एडजस्ट होता है। दो क्या मतलब हम लोग चाहेंगे कि इतना पे करेंगे, एक हाई पे का होता है इतना पे हमको रखना है और एक जो है उस पे डिफरेंस रखते हैं इतना पे, वैसा सिस्टम है। तब क्या होगा, हम जितने एडजस्ट करेंगे जब वो आएगा तब वो काम कर जाएगा। मान लीजिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है अंदर में, यहाँ लिखा हुआ देखिए DIWF डिफरेंस है और ये रेंज है, इतना रेंज तक रखना है इतना डिफरेंस रखना है। ये पी है, ये डेल्टा पी है, ये डिफरेंस बता रहा है। अच्छा ठीक है, मान लीजिए एक किलो प्रेशर का हम डिफरेंस कर दिया, एक्स्ट्रा वगैरह नहीं है इसमें। काम क्या है ना कि आप चाहिएगा तो इसमें पानी आप स्टॉक करके रखिए, पानी कूलेंट का दोनों मिक्सअप करके आप इसमें स्टॉक में रखिए। चार बाय द वे इंडिकेशन आ गया, मिनिमम टावर बैगन में आपको अगर 4 kg प्रेशर है, ये 4 kg प्रेशर के बाद ही ये काम करेगा। 4 kg प्रेशर अगर है तो यहाँ से देखिए इसमें पाइपलाइन दिया होगा, इसका पाइप ऑन करते ही इसमें प्रेशर आ जाएगा, हवा इस नॉब को ऑन करने से ना। हाँ मैनुअली करना होगा, मैनुअली करने के बाद ये देखिएगा वाटर पाइपलाइन में जुटा हुआ है यहाँ पर ठीक है, ये शायद उल्टा होता है, ऐसे सीधा कोई होता है तो ऑन होता है ना, इसको घुमाइएगा तो ऑन हो जाएगा। जिस इंजन में आपको चढ़ाना होगा, ये दो इंजन का गया है, दोनों इंजन ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें रेसिस्टेंस है। अच्छा, तीनों ट्रैक्शन अल्टरनेटर का जो है फ्यूल फिल्टर हीवेल डेली चेक करना, ये वाला जो हीवेल है डेली विजुअल चेक करना है। पंप क्या नाम है, ये हाइड्रोलिक फिल्टर है। अच्छा, ये तो लग रहा है लीक कर रहा है, ये नीचे चूरा है भैया, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए लीक कर रहा है। देखना है लीकेज हो रहा है कि नहीं, देखना एक चीज और क्या देखना है कि नहीं, लीकेज लीकेज तो आपको नजर आ जाएगा, मौत दिख जाएगा। हाँ, और प्रेशर नहीं बनेगा, अगर प्रेशर नहीं बनेगा, अगर इसका तेल अगर ठीक से नहीं खींचेगा तो प्रेशर नहीं बनेगा, जिसके चलते रेडिएटर फैन जो है स्पीड नहीं पकड़ पाएगा प्रॉपर। अच्छा अच्छा, कोई कौन हम्प है इसका नाम। अच्छा, हम्प है, हॉज हम्प है, इसको क्या देखना है, इसमें जो एयर फिल्टर से हमारा जो हवा खींच रहा है तो अगर ये बीच में अगर फट जाएगा तो एयर फिल्टर से तो छान के हवा आ रहा है, अगर ये फट जाएगा तो क्या होगा, बाहर से जो डस्ट वस्ट वगैरह सब आएगा वो सब यहाँ से खींचने लगेगा और एयर फिल्टर को हमारा वहाँ चॉक कर देगा, चॉक कर देगा या टर्बो चार्जर खोलिएगा। 6 महीने पे कार्बन ब्रश चेक करना है। हाँ, इसमें 2 कार्बन ब्रश लगता है, हाइड्रोलिक सिस्टम। अच्छा, पूरा सिस्टम को ही हाइड्रोलिक सिस्टम बोलते हैं ना इधर। हाँ, ये हाइड्रोलिक सिस्टम मिला के, हाँ, ये नहीं वो
अच्छा, उसमें आपको तेल भरा होना चाहिए, हाइड्रोलिक ऑयल के तेल भरा होना चाहिए। कितना तक होना चाहिए ऊपर में? इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे एक इंडिकेशन दिया हुआ होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें लाइनिंग दिया हुआ है ऊपर, यहाँ काला एक लाइनिंग दिया हुआ, उतना तेल मैंने चाहिए। ठीक है,